बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से जोड़ने के लिए मैं यहाँ लालबाग में मौजूद, लखनऊ में बातचीत का सिलसिला जोड़ने के लिए बहुत सारे मेहमान हमारे साथ वो जो मौजूद हैं उनसे बातचीत करेंगे सिलसिला। लेकिन मैं लखनऊ एक लगभग डेढ़ पौने दो महीने के बाद फिर से लौटा हूँ। कनॉट प्लेस में लगातार शो करने के बाद एक बार फिर से यहाँ पे सरकार का गठन हुआ, उसके बाद जाना हुआ, उसके बाद फिर लौट के आना हुआ, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जाना क्या हुआ, यहाँ से एक हवा ऐसी गई कि पूरे देश पे बुलडोजर की चर्चा चलने लगी और बुलडोजर की ऐसी चर्चा चली कि पता चला कि लोगों ने कहा कि बुलडोजर 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 और बुलडोजर का विकास यात्रा से जोड़ दिया गया। तमाम सारी बातें तमाम तरह से जोड़ने के लिए, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया एबी ब्रदर्स जो आप हमारे साथ यहाँ पे भी मौजूद हैं बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए। और हर बार की तरह चाय की चुस्की, समोसा लखनऊ का खास और शर्मा जी का टी स्टॉल जहां पे मैं बातचीत के सिलसिले को जोड़ूंगा। बात सबसे पहले बीजेपी से शुरू करूंगा क्योंकि आज शाहीन बाग की बारी थी और शाहीन बाग में जब बुलडोजर पहुंचे तो तमाम सारे लोगों ने प्रोटेस्ट किया। लोगों ने कहा कि ये जो बुलडोजर है ये इसलिए है क्योंकि आप महंगाई पे बात नहीं करना चाहते, आप विकास पे बात नहीं करना चाहते, इसलिए आप बुलडोजर लेके आते हैं। जी देखिए, ये वास्तविकता है कि कांग्रेस पार्टी हो या विपक्ष के अन्य दल हो, ये हर बात पे भारतीय जनता पार्टी पर आरोपित करने का काम करते हैं। क्या ये सच्चाई नहीं है कि अतिक्रमण से मुक्ति चाहिए? आप जहां पर शो कर रहे हैं, अगर कुछ वर्षों पहले आते तो कुछ वर्षों पहले यहां इसी स्थान पर भयंकर अतिक्रमण हुआ करता था। ये इतना सुंदर स्थान बना इसीलिए क्योंकि कुछ पुरानी चीजों को हटा करके सुंदर बनाना आवश्यक हो जाता है जब अतिक्रमण हो जाए कहीं। लोग नहीं, यहां दिक्कत नहीं है। लोगों ने कहा जैसे ही शाहीन बाग आता है आप बहुत उत्सुक हो जाते हैं, एकदम से बुलडोजर में भी पता नहीं पेट्रोल कहां से तेजी से आ जाता है। देखिए, शाहीन बाग को लेकर के मीडिया चर्चा कर रहा है, इसलिए वो सुर्खियों में है, वरना आज ही उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में कई जगहों पर बुलडोजर चल रहा है, उसकी चर्चा नहीं हो रही है। देखिए, राजनीतिक लिहाज से क्योंकि इनको भी पेट पर दर्द होने लगता है, शाहीन बाग से तुष्टीकरण दिखाई पड़ता है, इसलिए शाहीन बाग को लेकर के ये पीड़ाएं उठाने लगते हैं क्योंकि इनको जिनका तुष्टीकरण करना है उनके किसी तरह से आंच ना आने पाए। लेकिन हम किसी घुसपैठियों को, किसी इस प्रकार से अराजक तत्व को ही अगर कब्जा करके शांति व्यवस्था को भंग करने का प्रयास करे, हम स्वीकार नहीं कर सकते। जी सुरेंद्र राजपूत जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बातचीत के सिलसिले के साथ जुड़ रहे हैं आप। और इन्होंने कहा कि कोई भी घुसपैठिया हो उस पर तो नजर डालनी पड़ेगी, और इसमें मैं क्या गलत करो, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया पीड़ित पक्ष आएगा तो बात करेंगे। जी देखिए, घुसपैठिया तो कोई भी हो उसे तो देश से बाहर जाना पड़ेगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं। 2004 से 2014 के आंकड़े कहते हैं कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या हम लोगों ने जितने यहां से भगाए उसके 1/10 ये लोग नहीं भगा पाए। ये तो आपका कहना कि ये हल्ला ज्यादा मचाते हैं बेकार आदमी? बिल्कुल, सिर्फ हल्ला और कुछ नहीं। इनका काम सिर्फ इतना है कि कहां से तुष्टीकरण हो सकता है बहुसंख्यक, कहां से वोट मिल सकता है, कहां से नोट मिल सकते हैं, नोट के लिए हम दो हमारे दो वाले हैं, और तुष्टीकरण वोट के लिए इनका तुष्टीकरण का फार्मूला है। आप देखिए, आज रुपया ऐतिहासिक नीचे गिर गया लेकिन प्रतीक भाई को बुलडोजर दिख रहा है। ऐतिहासिक नीचे गिरा है, और जिस देश का रुपया गिरता है उस देश की सरकार की इज्जत तार तार होती है। आज हमको भी एक बहुत अच्छी बात लगी कि कम से कम कांग्रेस सड़क पर तो दिखाई दी, अभी तक ट्विटर में दिखाई दे रही थी तो कम से कम वहां दिखाई दे गई, तो ये दोनों बातें सही हो सकती है, आपकी भी बात सही हो सकती है। पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस सड़क पर थी, है और रहेगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस सड़क पर रहेगी, और मैं फिर से कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का एक नीति नियम है कि मुख्य मुद्दों से, बेरोजगारी के मुद्दों से, बीपीएससी का पेपर लीक हो गया, ध्यान हटाइए, कोई बात नहीं करेगा आपको सिवाय छोड़ करके, आपके चैनल पर भी कोई बात नहीं करेगा, बात करेंगे सब शाहीन बाग की। अरे भाई, मैं कहता हूं अतिक्रमण जो है नियमानुसार हटाइए, और उसको हटा करके आदेश गुप्ता का घर है दिल्ली में, आप ये बताइए 50 रुपए बढ़ गया, 1000 रुपए के बाद गैस पहुंच गई, मीडिया दोषी है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं देखिए, महंगाई हमेशा कुछ सापेक्ष हमेशा बढ़ती है, तो फिर शाहीन बाग में इतना हल्ला क्यों? नहीं भाई, हल्ला तो ये मचाने गए ना, सुप्रीम कोर्ट लेकर के तुरंत गए, पीड़ा इनको तुरंत होने लगी। लेकिन देवी सच्चाई है कि अटल जी की सरकार आती है तो घर घर तक गैस सिलेंडर पहुंचने लगता है, मनमोहन सिंह की सरकार आती है फिर कालाबाजारी शुरू हो जाती है, फिर मोदी जी की सरकार आई। जी जनाब, देखिए सबसे पहली बात मैं बताऊं, हमारे देश में 70 सालों तक देश के अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण करके, उनको उनको वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करके हमारे तथाकथित सेक्युलर लोगों ने जिस तरह से उनका दुरुपयोग किया है,
उनके मताधिकार का प्रयोग करते हैं। अब आप आपके बारे में ये कहा जा रहा है आप चर्चा करके प्रयोग कर रहे हैं, वो तो उन्होंने 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 तुष्टीकरण किया और आप चर्चा करके करते हैं। हम तो भाई अभी वर्तमान सरकार तो उनके विकास का काम कर रही है। आज जितना खुशहाल भारत का अल्पसंख्यक है, जितना खुशहाल भारत का मुसलमान है, भारत के अल्पसंख्यकों में खासतौर पर मुसलमानों की बात करूं, जितना खुशहाल इन मोदी जी के और योगी जी के राज में मुसलमान है, उतना तो इनकी सरकारों में कभी कोई सोच नहीं सकता। जनाब समाजवादी वाली पार्टी वाले काम कहां ही हल्ला मचाते हैं आप लोग, जितना खुशहाल मुसलमान इस वक्त है आपको दिखता ही नहीं है। प्रतीक जी, केंद्र में प्रोपेगेंडा सरकार है और ये चाय जिस स्टॉल पर बैठे हैं आप 35 सालों से यहां चाय पीते आए हैं, आज उसका रेट पूछिए ना, आज उसका रेट एक बार बताइए, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, ये जीत कैसे रहे, वोट कहां से पा जाते हैं? ये बुलडोजर महंगाई पर क्यों नहीं चलता? ये बुलडोजर बेरोजगारी जो है, ये युवा 16 करोड़ बेरोजगार युवा है, वो जो बेरोजगारी है उस पर बुलडोजर क्यों नहीं चलता? ये बुलडोजर 15 से ज्यादा चंदौली में पुलिस के लोगों ने एक मासूम बेटी की हत्या कर दी, दो बहनें थी, बुलडोजर उनके घरों पर क्यों नहीं चलता? अयोध्या में जो हिंदू आतंकवादी सीसीटीवी कैमरा अगर उस मस्जिद पर नहीं लगा रहता तो ये हिंदू जो आतंकवादी हैं, हिंदू आतंकवादी, बिल्कुल हिंदू आतंकवादी है। अगर हाँ जी नहीं तो क्योंकि आप इसलिए क्यों करेंगे इसमें हिंदू आतंकवादी, इसमें करेंगे आप? मैं इस पर कमेंट करूंगा क्यों? मैं सबसे पहली बात कहना चाहता हूं, ये वही समाजवादी पार्टी की लाल टोपी वाले हैं जो लगातार धार्मिक तुष्टीकरण की बात करते हैं। कभी किसी ने कहा क्या मुसलमान आतंकवादी? आतंकवाद के धर्म, आतंकवाद में धर्म ढूंढने का काम ये समाजवादी पार्टी के नकली और झूठे सेक्युलर करते हैं। गजब है भाई, अरे खड़े हो आतंकवाद से आप, भैया जी सामने खड़े हो गए, तुम बैठे हो गए कुर्सी में ऐसे हैं, यही लखनऊ तेजीब है। क्या नाम तुम्हारा? अमी शुक्ला। शुक्ला जी लखनऊ नहीं है ये? शुक्ला जी कहाँ के रहने वाले हो? अम्बेडकर। इन्होंने कहा पहले सवाल जो पूछे वो बताओ, कहाँ के रहने वाले? अम्बेडकर नगर। बैठो, अरे यार कम से कम बातचीत होने दो। जी जनाब कैसे हैं? अच्छे हैं। कहाँ से हैं? बस्ती से। बस्ती से जी। जी कैसे हैं सब? बढ़िया, बस्ती में बिजली आ रही है? बिजली तो अब आ रही है, पहले नहीं आ रही थी, बीच में नहीं आ रही थी, बीच में नहीं आ रही थी, मुझे लोग खबर किया कि नहीं आ रही थी, अब आ रही है, अब आ रही है। तो मुद्दा कुछ बोलना चाहते हैं, कोई बात है? मुद्दा बुलडोजर को लेके। क्यों? बुलडोजर हमेशा अगर किसी अवैध निर्माण पे चले तो अच्छा लगता है, लेकिन चल नहीं रहा। अवैध निर्माण पे चल रहा है, लेकिन किसी सैनिक के घर पे अगर चल रहा है तो गलत है। जो सैनिक सीमा पर बैठा है, दो दो भाई उसके सीमा पे बैठे हुए हैं 45 और 50 डिग्री। कहां का है बात? इशारों में बात ना करिए, सीधे सीधे बात करिए। ये छिपरामऊ का मामला है और वो सैनिक आके बीजेपी कार्यालय पर धरना देता है, उसके बावजूद उसकी सुनवाई नहीं होती। ये दर्द है सैनिकों का। और मामला बीजेपी तो इतनी साफगोई के साथ कहती है कि कार्यकर्ता भी थाने में ना आए, मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट है, बीजेपी के कार्यकर्ता भी थाने में ना आए, दबाव ना बनाए, काम करने दें। जी भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता इंक्लूडिंग राकेश भाई को हम जानते हैं अच्छी तरीके से, इनको हम हटा रहे हैं, सारे कार्यकर्ता दलाल हैं। ये मुख्यमंत्री ने कहा कि दबाव बनता है। यू आर फ्रेमिंग सेंटेंस। उन्होंने कहा है कि भाजपा के कार्यकर्ता दलाली बंद करें, अफसरों को हम देख लेंगे। उन्होंने ये कहा कि कार्यकर्ता थाने में ना पहुंचे उससे दबाव बनता है। बहुत आर डिफरेंटिंग। देखिए सच्चाई ये है कि जीप घोटाले से लेकर के और बोफोर्स की तोप की दलाली लेने वाले लोगों को हर जगह दलाली ही दिखाई पड़ती है, इसलिए बार बार ये बात कह रहे हैं। मैं आ रहा हूं। पिक्चर दिखा दूं केवल? नहीं आप पिक्चर ना दिखाओ ना, मैं ना। त्रिपाठी जी मैं कोई फोटो नहीं देखूंगा और ना मैं आपका व्हाट्सएप देखूंगा। समाचार में मैं इस यूनिवर्सिटी का छात्र ही नहीं हूँ, ना इस यूनिवर्सिटी का नहीं ना, मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का पढ़ा हूँ, इसका छात्र नहीं हूँ। मैं नहीं मानता। मैं व्हाट्सएप और इन सब मैं बहुत सम्मान के साथ कह रहा हूँ। अरे व्हाट्सएप हो और ये मुख्यमंत्री का बयान गलत हो तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। आज सभी अगर ये बयान योगी की भाजपा नेताओं को नसीहत, दलाली बंद कर दो, योगी की भाजपा के दलालों फ्रेमिंग सेंटेंस है। मैं आया। खड़े हो, ये कहां थकेदारे खड़े हैं बैठे हैं, कहां से आ रहे हैं? मैं आ रहा हूं लखनऊ से, गोमती नगर।
लखनऊ में तो हम भी मौजूद है गोमती नगर से, बहुत बहुत दूर थोड़ी ना गोमती नगर, बगल में है, तो थके हुए हैं, चाय वाय पिलवाएं? नहीं नहीं चाय वाय नहीं। फिर बोलिए कुछ मुद्दा बताइए क्या है, आ रहा हूँ मैं उधर भी आ रहा हूँ। मुद्दा अपने पास यही है कि समय जो चल रहा है वो सब ठीक ठाक चल रहा है। अच्छा कहाँ के रहने वाले हैं? यही गोमती नगर। हाँ गोमती नगर। क्या काम करते हैं? काम वही सेल्स का करते हैं। सेल्स का? अच्छा किसी प्राइवेट कंपनी में? प्राइवेट कंपनी में। तो सब बढ़िया चल रहा है? बढ़िया चल रहा है, मस्त है, मस्त है सर। ऐसे 10, 15, 20, 50 लाख लोग सुबह सुबह मिले, दोपहर में 50 लोग ऐसे मिले और शाम को 50 लोग मिले, चादर तान के सो जाइए। कैसे हैं हुजूर? आशीर्वाद है आपका। अरे बैठिए, मैं आया जनाब आली जनाब। इन्होंने कहा कि बुलडोजर देख के नहीं चलता, उसका 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 अपना एक सेकुलर थीम है। देखिए अगर सेकुलर थीम होती तो संविधान के मुताबिक उस पर नोटिस गए होते, उनको अदालत में बुलाया गया होता, डायरेक्ट बुलडोजर ना पहुंचता और एक बुलडोजर उसके लिए चार बार लौटता नहीं, फोर्स नहीं है दोबारा, फिर फोर्स नहीं है, फिर तिबारा और फिर पहुंचा, तो क्या कि पेंट करने के लिए जो बैरिकेटिंग लगाई गई थी उस पर बुलडोजर चल रहा था। मतलब जनाबे आली ये भी बात लोगों ने कही कि कहां तो कह रहे थे फोर्स नहीं और जैसे ही शाहीन बाग का बात आई फोर्स आ गई, ये लोगों ने ये भी कहा, लोगों ने ये कहा, इसमें कोई इसमें जवाब नहीं है आपके पास? बिल्कुल है जी। सबसे पहली बात तो ये मेरे बहुत ही काबिल और बहुत ही मोहतरम दोस्त है हमारे साथ में, मैं इनसे कहना चाहता हूं कि देखिए कभी भी पुलिस डायरेक्ट गिरफ्तार करने नहीं पहुंचती है, सम्मन और वारंट तमाम चीजें पहले पहुंच जाती हैं और जो अवैध है वो अवैध है, उसको वैध जो है वो बातों से या मीडिया में खड़े होकर के या दो चार बात कह देने से कोई वैध नहीं हो जाता, जो अवैध है उस पर जो नियमानुसार कार्रवाई होनी चाहिए थी वो हुई, नोटिस बहुत पहुंचे और आप जो कह रहे हैं अतिक्रमण हटाने के बाद, अतिक्रमण से सबसे ज्यादा पीड़ित तो मुसलमान रहते हैं, सबसे ज्यादा अतिक्रमण का शिकार तो मुसलमान होते हैं भाई, मुस्लिम क्षेत्रों में आप चले जाइए लोगों ने 10-10 फीट दुकानें आगे बढ़ा करके रखी हुई है, गुजरने का रास्ता नहीं है, नाले बंद हो गए। आपने कह रहा कि मुसलमान ही सिर्फ अतिक्रमण कर रहे हैं और कोई नहीं कर रहा है? नहीं, मुसलमान सबसे ज्यादा पीड़ित होते हैं क्योंकि उनके पास लीडरशिप नाम की कोई चीज नहीं है, मुसलमानों की आवाज उठाने वाले लीडर नहीं मौजूद है, जिनको मुसलमान अपना नेता बनाते हैं वो मुसलमानों का इस्तेमाल बिरयानी में तेज पत्ते की तरह से करते हैं, बिरयानी पक जाएगी तेज पत्ते को निकाल के बाहर फेंक देते हैं। जनाब आली मुझे लगा बहुत दिन से नहीं लखनऊ आया, अब लखनऊ आ गया, नया नया मामला आया है, मामला क्या बात है, मैं मिलता हूँ आपसे, अच्छा लगा जी। जनाब रंजन साहब जी बहस है उसमें आइए कूदिए जी। देखिए उत्तर प्रदेश में बुलडोजर हाँ को आम जनता एक न्याय का प्रतीक मानती है, आज छोटे छोटे शहरों में जहां माफियाओं द्वारा कब्जा किया गया था, आप आजमगढ़ मऊ चले जाइए, हम पूर्वांचल के रहने वाले हैं, तमाम छोटे छोटे जिलों में माफियाओं से जो लोग ये बहस नहीं है, बुलडोजर चले वहां चले जहां पे गलत है वहां चले, लोगों ने कहा इस पे बात नहीं है, लेकिन चुन चुन के चल रहा है इस पे, लोगों ने कहा कि शाहीन बाग पे चला। देखिए हम किसी राजनीतिक दल से नहीं है और हम ऐसा नहीं मानते हैं कि चुन चुन के चल रहा है, जहां सरकार आवश्यक समझ रही है वहां बुलडोजर चला रही है, इसमें कोई सिलेक्शन नहीं है, मतलब इसमें आपको दो राय नहीं है कोई? जी 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 बिल्कुल जी। मैं आया जनाब कैसे हैं? ठीक हैं। हाँ क्या नाम हो गया? अनिल कुमार सिंह जी। कहाँ से हैं? बलिया से हैं। हाँ जी बलिया। अरे बाप रे बाप बलिया जी बोलिए। धरती जवानों की। हाँ हाँ जर धरती जवानों की जी बताइए हुजूर जी। बोले आप? बोले हम तो आ गए आपके पास। हम तो देख रहे हैं कि बुलडोजर जो चल रहा है उच्चतम न्यायालय को सुप्रीम कोर्ट को पूरा देश मानता है ना, तो जहाँ कानूनी व्यवस्था कानून कहती है कि ना ये गलत चीज है वही ना बुलडोजर चल रहा है, तो हम तो कोई किसी पार्टी से है नहीं, हमको अच्छा लगता है कि उससे जगह पर बुलडोजर चलना चाहिए, चल रहा है बुलडोजर चल रहा है। आप इस बात से सहमत है कि वो जहाँ चल रहा है सही चल रहा है? हाँ उसमें कहीं कोई गलती नहीं, कोई गलती नहीं है जी। जनाब कैसे हैं? बढ़िया। नाम हो गया आपका? प्रतापगढ़ से शिवेन सिंह। प्रतापगढ़ से? पूरा लखनऊ में सारे जिले के लोग मिलते हैं क्यों जनाब? हर जगह का आदमी मिल जाता है। बिल्कुल यही लखनऊ की तहजीब और तमीज है। हाँ यही तमद्दुद है कि यहाँ पे पूरा उत्तर प्रदेश एक साथ बसता है। नहीं नहीं वो कैनॉट प्लेस में भी मिलता है मुझे अच्छी तरह से। जी जनाब बोलिए बताइए मुद्दा। ठीक है बुलडोजर चल रहा है, गलत लोगों को ना गिराया जाए घर, बस गलत लोगों को ना गिराया जाए। लोगों ने कहा कि टारगेट नहीं किया जा रहा, जो करा जा रहा है वो सही हिसाब से किया जा रहा है। सही है अगर गलत लोग हैं तो उनके गिराया जाए। दब दब के काहे बोलने, जरा हल्के हल्के में दब दब के बोल रहे हैं, कुछ खुल के बोलिए ना जी। हाँ जी क्या सही है जी? मैं आया जी। कहाँ से हैं हुजूर? झांसी से। वहीं तो मुख्यमंत्री अभी आए है ना, और उन्होंने कहा कि पानी की व्यवस्था सब ठीक होगी। झांसी का दौरा होना चाहिए, मेरा शो झांसी में होना चाहिए। हो चुका एक दौरा। हाँ अब एक बार और होना चाहिए, आना चाहिए जी। कहिए कुछ मुद्दा है? मेरे पास कोई मुद्दा नहीं।
खाली बैठे हैं। बुलडोजर चल जाएगा घर पे। हाँ बुलडोजर चल जाएगा घर पे, कुछ बोल देंगे अगर। बुलडोजर चल जाएगा अगर घर, कुछ बोल देंगे। क्या नाम है आपका? समीर मंसूरी। समीर मंसूरी साहब कहते हैं कि अगर मैं बोल दूंगा तो बुलडोजर चल जाएगा, ये सही है या गलत है? बड़ी विडंबना है, बुलडोजर को अवैध बता रहे हैं। अरे अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चल रहा है, बुलडोजर वैध है, बुलडोजर अवैध नहीं है। अवैध तो कब्जे हैं और अवैध कब्जे खाली होंगे, डंके की चोट पर खाली होंगे। अब तक किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि कोई मुख्तार अंसारी, आतिक अहमद, बड़े बड़े माफिया, कोई हिम्मत नहीं होती थी, लेकिन आज होमगार्ड जा रहा है और जाकर के मुनादी कर दे रहा है और कल अगले दिन बुलडोजर जाता है ढहा के चलाता है। ये आज योगी आदित्यनाथ ने अपना भरोसा जगाया है। ये बुलडोजर केवल विध्वंस नहीं कर रहा है, ये लोगों का भरोसा निर्माण कर रहा है, भरोसा बना रहा है कि अब कोई यहां माफिया पैरल सत्ता नहीं चला सकता है। कोई अगर जनता की गाढ़ी कमाई को लूट करके आलीशान अट्टालिकाएं बना करके अब क्रूर अट्टहास नहीं कर सकता है, ये बुलडोजर उन पर चल रहा है। शाहीन बाग में आज जब जाना था तो जनता लेट गई, बुलडोजर के ऊपर चढ़ गई और हाँ जहां कांग्रेस का आंदोलन था तो उन्होंने कहा कि नहीं जागीर वहां पर, जहांगीरपुरी वाले पे तो उन्होंने जस्टिफाई किया, बोले ठीक है मैंने बोला था, लेकिन वहां जहां गलत है वहां जाने में क्या दिक्कत है? दो बातें हैं जी, जहां पर भी अवैध निर्माण होगा वहां पर कानूनन बुलडोजर चलेगा, चाहे इनकी सरकार हो चाहे किसी की सरकार हो। यही मैं आपको बताऊं, आइए मेरे साथ, आप तो लखनऊ के पले बढ़े, आइए हजरतगंज में, मैं आपको इधर से लेकर के उधर तक सारी दुकानों में, मैक्सिमम दुकानों में भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों की और सबके तहखाने बने हुए हैं, सारी अवैध हैं, टोटल पूरे लखनऊ में। आइए गोमती नगर चलिए हमारे साथ, अमीनाबाद चलिए हमारे साथ, जितने तहखाने बने हुए हैं सब अवैध हैं, चला दीजिए बुलडोजर। एक बार आप अमीर के घर पे चला देंगे ना, दिल्ली में सैनिक फार्म है, मेहरौली है, जिसमें कांग्रेसियों के भी फार्म हाउसेज होंगे, सपाई और भाजपाइयों के तो है ही है, कोई कहने की बात नहीं, बड़े बड़े भाजपाइयों के हैं, वहां पर चला दीजिए आप बुलडोजर, गरीब अपनी झोपड़ी अपने आप हटा लेगा। गरीब की झोपड़ी के लिए तो बुलडोजर है आपके पास, लेकिन आदेश गुप्ता के घर जो उसने अपने चारों तरफ नाली का अतिक्रमण कर रखा है, अपने घर के सामने सारे चौतरे गली उसने छेक रखी है, जो दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष है, उसके घर बुलडोजर जाने की ना हिम्मत है, ना हैसियत है, ना हौसला है। देखिए यही एक फार्मूला है, जैसे ही कार्रवाई होना शुरू होती है ये कहते हैं ये भी चोर है, वो भी चोर है, वो भी चोर है। अरे भैया, चोर के पक्ष में खड़े होने के ये तर्क नहीं हो सकते हैं। जो अवैध है वो अवैध है, और ढंग से आप अगर आपको लगता है जाइए ना कोर्ट, आज गए तो थे कोर्ट, क्या हुआ कोर्ट ने क्या कहा? एक करारा तमाचा लगाया कि राजनीति मत करो, यहां आकर के राजनीति ना करो, जो अतिक्रमण है वो हटके रहेगा और वो विधिक दायरे में हट रहा है, पहले नोटिस सर्व कराई गई है। ऐसा नहीं है कि अचानक आज सुबह सुबह सपना देखा कि सुबह सुबह बुलडोजर लेकर चलना है और बुलडोजर लेकर पहुंच गए, बाकायदा इसके लिए नोटिस सर्व कराई गई है, पहले समन किया गया है, आपको समय दिया गया कि आप अपना अवैध अतिक्रमण हटा लीजिए, आप फिर भी कानून का पालन नहीं करेंगे तो कानून का पालन तो कराना पड़ेगा ना। राइट, ये बुलडोजर जो चल रहा है, ये बुलडोजर मेरे ठीक पीछे बीजेपी मुख्यालय है और 20 दुकानें हैं, उसकी वसूली चलती है, इलीगल है, सरकारी बिल्डिंग है, वो दुकानें 24 घंटे चलती हैं, उस पर बुलडोजर क्यों नहीं चलता? ये नगर निगम की ऑफिस है यहीं से 10 मीटर पर, और आप देखेंगे ज्यादातर अनऑथराइज दुकानें खुली हुई हैं, चलना दूभर है, कोई जगह नहीं बची जहां इंक्रोचमेंट ना हो, वहां बुलडोजर क्यों नहीं चलता? तालिबान और बीजेपी के बुलडोजर में कोई फर्क नहीं, तालिबान संविधान नहीं मानता, बीजेपी संविधान नहीं मानती, और यही कारण है कि न्यायपालिका का काम खुद कार्यपालिका और विधायिका कर रही है, और इसके लिए ऊपर गए, लेकिन कोर्ट में तो आज कहा नहीं, ये कोई बात नहीं हुई, कोर्ट ने तो ये कहा था कि 2.5 लाख। मैं आया जी 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 जी, तभी पब्लिक जो है गवर्नमेंट को दोबारा इसीलिए लेके आई है, ये तो इनका कहना है, बहाने हैं सब, ये बहाने बना रहे हैं सब, ये क्यों हारने के हार गए, जो हारे हुए सब हारे हुए, कहीं कोई है ही नहीं, कहीं कोई नहीं है मैदान में, दूर दूर तक देख ले कि कोई दिख रहा, कोई कोई नहीं दिख रहा। अरे सब दिख रहे हैं, चाय पीते हुए भाई साहब दिख रहे हैं मुझे, मैं आता हूँ मैं जी क्या। हाँ हाँ हाँ, मैं आया जी। क्या सुकून के साथ चाय पी रहे हैं आप? हाँ जी, गर्मी का टाइम है, चाय जो है गर्मी में ही अच्छी लगती है ना, क्या बात है, ये लखनऊ का ही आदमी का बाशिंदा कह सकता है। तो क्या नाम हो गया हुजूर आपका? अभिषेक। अभिषेक जी क्या काम करते हैं? अपना खुद का काम है सर। खुद का काम, कैसा चल रहा है काम? ठीक ठाक चल रहा है। तो ये जो अतिक्रमण और इस पर जो आंदोलन और उस पर जो शाहीन बाग और जो तमाम बहस पूरे देश में चल रही है, उस पर आपका अपना?
सर ये सारे मुद्दे ऐसे ही बने रहेंगे, कोई भी गवर्नमेंट हो ऐसे ही रहेंगे सारे मुद्दे हमेशा ऐसे। और रहना कौन सा मुद्दा चाहिए? बेरोजगारी का महंगाई का जी। लेकिन इस पर ना कोई बात है, ना कोई चीत है, ना कोई चीज है। कभी कोई गवर्नमेंट नहीं बोलती, कभी जो भी आती है इस पे पानी डाल देती, खत्म कर देती। लोगों ने कहा कि ये बात ये हुजूर सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं? सही कह रहे हैं। हाँ जी सही कह रहे हैं। क्या नाम हो गया साहब? रिपुदमन जी, क्या यही लखनऊ के रहने वाले? नहीं, आप लखनऊ के? हाँ, मुझे देख के लग गया था आप यहाँ लखनऊ के नहीं है। आप लखनऊ के नहीं हो सकते, आप देहरादून के ही होंगे। तो देहरादून से कैसे आना हुआ इधर? कुछ बिजनेस। हाँ, बिजनेस में बहुत सारी चीजें हैं जो बताई नहीं जाती, हाँ समझी जाती हैं। तो आए होंगे बहुत अच्छे काम से, लेकिन मुझे ये बताइए कि जो पूरी बहस है ये कितनी सही कितनी गलत? सर ये वैध और अवैध की है। अगर कोई निर्माण अवैध है तो गिराना चाहिए। लग रहा है आपको कि टारगेट किया गया किसी को? बिल्कुल नहीं, टारगेट नहीं। कांगेपुरी में हुआ है, गुप्ता जी की दुकान भी टूटी है। हाँ टूटी, गुप्ता जी के जूस की दुकान थी वो टूटी। टारगेट नहीं किया जाए, है ना? क्या नाम हो गया आपका? कृष्ण खन्ना जी। खन्ना जी यहीं पे लखनऊ के? ना यहीं के नहीं, हरियाणा बहादुरगढ़ से आए हैं। एग्जाम था काहे का? रेलवे का। हो गया बेटे को दिलवाने लाए एग्जाम? कैसा हुआ बेटा? बड़े हो गया। तो अभी कौन कौन से एग्जाम दे डाले तुमने? अभी मैं जुडिशियल डिपार्टमेंट में वर्क कर रहा हूँ। जुडिशियल डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं और ये एग्जाम रेलवे का देने आए थे। बहुत बहुत बढ़िया, प्रोग्राम देखते हम। हाँ तो देखते तो हैं। अच्छा, लेकिन मुझे बच्चे से बात करनी है जरा, थोड़ा बच्चा बोलेगा तो अच्छा लगेगा। एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो तमाम सारे वो देखने वाले तो हिंदू मुसलमान और वैध अवैध पर ही फिसे होंगे। मौलाना आ रहा हूँ थोड़ी देर में, ये ना सोचिएगा मैं उधर चला गया बहस में, मैं यही हूँ। जब तक हिंदू मुसलमान चले तब तक चलाते रहिएगा, लेकिन बीच बीच में मैं समोसा जरूर दिल खिलाता हूँ, अब वो बहुत जरूरी चीज है। हाँ बेटा, तो तुमने रेलवे का एग्जाम दिया? 2019 में भर्ती आई थी। प्री हुआ था 2021। हाँ, और 2022 में टीयर टू हो रहा है, स्टेज टू, मतलब स्टेज टू हो रहा है। तो स्टेज वन निकल गया, स्टेज वन निकल गया था। आप स्टेज टू में आप आए हैं, प्लेयर होने? हाँ जी हाँ जी। कैसा हुआ? अच्छा हो गया, बढ़िया, निकल जाएंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बढ़िया हो जाए, अच्छा हो जाए। कुछ कहना चाहते हैं आप जो कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं तमाम सारे बच्चे जो 17, 18, 19 और 20, ये दो साल तो वैसे ही निकल गए, कुछ कहना चाहते हैं? भाई हार्डवर्क करते रहो, एक ना एक दिन मंजिल मिलेगी। हार्डवर्क करते रहो, मंजिल तो मिलेगी। यही बात नेताओं पर भी लागू होती है, हार्ड वर्क करते हो। बहुत बहुत मेहनती होते हैं नेता लोग, अपने काम में बहुत मशगूल होते हैं। मिल रहा है, 9 साल हो गए मैं आ रहा हूँ, 8-9 साल हो गए, उनको फल मिल कहाँ रहा है? कहाँ मेहनत कर रहे हैं? मेहनत देख रहे हो तो जमीन जो होते हैं, जो मेहनत कर रहे हैं वो सत्ता में है, और जो मेहनत नहीं कर रहे हैं वो देख रहे हैं हाल उनका बेहाल है, हाल बेहाल है। पब्लिक को समझा ही नहीं पा रहे, जो समझा पा रहा है वो सत्ता। ये बात तो सही है, समझा नहीं पा रहे। जी मैं आया पीछे। हाँ सर, समझा नहीं पा रहे हैं, वो जहाँ पर है वो वहाँ पर है। जी मैम नमस्ते, कैसी हैं आप? थोड़ा खड़े हो जाएंगे तो अच्छा लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। देखिए योगी जी जब से आए हैं ना जी, तो पूरा यकीन है, जब से योगी जी आए हैं पूरा यकीन है। और जो ये हिंदू मुसलमान है ये कोई बीजेपी नहीं कर रही है। हाँ हाँ, कोई नहीं कर रही है। मतलब आपको लगता है कि शाहीन बाग में जो हुआ वो एक नेचुरल प्रोसेस है? नेचुरल प्रोसेस था और वो कुछ होना ही नहीं था, वो सब बिल्कुल सही हो रहा था जी। और योगी जी है, पूरा यकीन है, जब से योगी जी आए लखनऊ हो गया है और अब हम लोगों को डर नहीं लगता यहाँ पे। अच्छा, और के शर्मा जी की चाय पीने आए हुए, देख लीजिए हम आराम से आ रहे हैं आपको। और पहले डर लगता था? बिल्कुल डर लगता था। किनसे डर लगता था? लोगों से डर लगता था। मैं आपको नहीं कह रहा हूँ भाई साहब, आप तो हमारे भाई साहब यूनिवर्सिटी के सीनियर हैं, मैंने आपसे नहीं कहा बिल्कुल भी, एक तरफ भी देखा नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल, मैंने आपकी तरफ देखा तक नहीं। उन्होंने कहा कि डर लगता था, फिर जी खड़े होइए थोड़े देर। हाँ मेरे पास आगे, इधर आइए आगे। इन्होंने कहा कि मुझे पहले आने में डर लगता था और अब शर्मा जी की दुकान पे आ रहा हूँ, बड़े आराम से चाय पी रहे हूँ और तमाम सारे लोग यहाँ पे खड़े हैं। अरे पाजी मेरी तरफ क्या देखते रहे तो बार बार, उधर देखो ना, उधर लोग कितने अच्छे अच्छे लोग खड़े हैं, मैं एक ही तरफ, मुझे ही दिखाई पड़े हो। तो इन्होंने कहा कि अब डर नहीं लगता और मैं यहाँ आ जाती हूँ, चाय पीती हूँ और चला जाती हूँ। तो मैंने आपकी तरफ देखा नहीं था, लेकिन आपने कहा जवाब मुझे देना है तो आप दीजिए। मैं जवाब जरूर दूंगा, प्रधानमंत्री जी को एक मिनट सुनाना चाहता हूँ। मैं कैमरा मैन ना, ना भाई साहब एक चीज आप भाई साहब न भाई साहब आईपी सिंह साहब मैं आ रहा हूँ आपके, मैं एक बात जानता हूँ, एक बात जान भाई साहब, भाई साहब मेरी बात सुन लीजिए। देखिए मैंने आपको प्रवक्ता नहीं कहा,
मैं इसी जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़े मैं उसी में उसका जूनियर रहा हूं, इसलिए मैंने आपको भाई साहब कहा। और एक और मेरी बात सुनिए, इस मोबाइल का कोई भी कैरेक्टर या मोबाइल का कोई भी साक्ष्य मैं नहीं लूंगा। हम कह रहे हैं प्रधानमंत्री राष्ट्रपति, हम कह राष्ट्रपति हूं, मैं नहीं लूंगा। आप कहिए, मैं आई हैव इन्वाइटेड यू, मैंने आपको बुलाया है, मैंने आपको बुलाया सिंह साहब, सिंह साहब आपको बुलाया, आप बोलिए ना, वो क्यों सुना रहे, आप बोलिए। मैं कह रहा हूँ नहीं सुनाना जरूरी है पूरा। देखिए अभी जिस हमारी बहन ने ये बात कही, उनको शायद लखनऊ के इतिहास का ज्ञान नहीं है या कब से लखनऊ में नहीं जानता, लेकिन ये तो ये वो लखनऊ है जिस जहां मजाज को सुनने के लिए अंग्रेजों के दौर तक में रात दो दो बजे लड़कियां कैलाश हॉस्टल से आती थी। ये लखनऊ वो लखनऊ है, यहां हमेशा 10 बजे के बाद तक हजरतगंज खुला रहा और हजरतगंज में हमेशा फ्री मूवमेंट रहा, कभी कोई गुंडा। मैं आपसे पूछ नहीं रहा, ये मत, मैं बिल्कुल इस बात का ध्यान रखता हूँ किससे पूछना किससे नहीं पूछना, मैं इस बात पर बिल्कुल एकदम। और भैया सब ठीक है, और जो तुनान के साथ बैठे चाय भाई मंगवाए, अरे ऐसा क्या है, चाय भाई मंगवाए, अरे खड़े हो, ये कहां से आ रहे हैं, मैं सुल्तानपुर रहने वाला हूँ। सुल्तानपुर देखे, प्रतापगढ़ वाले मिले, बुंदेलखंड वाले मिले, बलिया वाले मिले, और इधर वाले ये मिल गए, अब कहाँ वाले, प्रतापगढ़ वाले, सुल्तानपुर वाले। कैसे हैं? ठीक है भैया, बढ़िया है। खेती बाड़ी कैसी चल रही? कैसे आना हुआ लखनऊ? दवा के लिए आए हैं। दवा के लिए? ओ, अपने आप कमांड हॉस्पिटल दिखाने आए हैं। किसको? मिलिट्री अस्पताल में, अपने खुद को, आर्मी हॉस्पिटल में। सब ठीक तो है? सब ठीक है ना? हाँ ठीक है, बैठिए। गोरखपुर का नंबर बाद में आएगा, पहले नहीं आ सकता, नहीं बैठिए, अब आएगा, आएगा नंबर आएगा जी, आपका जब मन हो तब बताइएगा मुझे। जी बोलिए गोरखपुर। भैया गोरखपुर से मैं हूँ। हाँ, पूर्वांचल में गोरखपुर में एक समय ऐसा था कि 8 बजे के बाद माफियागिरी ऐसी थी कि कोई बाहर नहीं निकल पाता था। हाँ, आज स्थिति यह है कि उस माफियागिरी पे इतना जबरदस्त बुलडोजर चला है कि सारे माफिया जेल के अंदर है। बात बताइए गुरुजी, नाम क्या है आपका? मेरा बीबी सिंह नाम है। बीबी सिंह साहब, मैं मांगने आ रहा हूँ, बीबी सिंह साहब कहीं जाऊंगा नहीं, बीबी सिंह साहब, अरे एक मिनट, में आया 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 आया, मैं जाऊंगा नहीं, यही हूँ, आप ही के पास आऊंगा। गजब ये मुहावरा है कि बुलडोजर चला है, गजब मुहावरा है, गजब मुहावरा है। मैं आ रहा हूँ बीबी सिंह साहब, गोरखपुर बिल्कुल आ रहा हूँ, आप ही के पास आ रहा हूँ। हाँ जी, आ जाइए, क्या नाम है आपका? आस्था है, और मुझे ये कहना है कि मेरे मम्मी पापा आपके शो के बहुत बड़े फैन हैं। अब बहुत बहुत शुक्रिया, एक बार हाय बोल दीजिए। किनको बोल दे? मम्मी पापा को। मम्मी पापा को, तो पापा का नाम क्या है? देवेंद्र त्रिपाठी। अरे भाई ब्रेक वाले बाद में लेना, पहले मम्मी पापा का काम कर दें, फिर तुम्हारा ब्रेक ले लेंगे यार। मम्मी पापा का काम कर, ब्रेक नहीं लूंगा अभी, पहले मम्मी पापा का काम होगा। जी क्या नाम है पापा का? पापा का नाम देवेंद्र त्रिपाठी है, मम्मी सरस्वती त्रिपाठी। तो देवेंद्र जी और सरस्वती जी का बहुत बहुत शुभकामनाएं। और पाजी बता दो कुछ थोड़ा सा, वक्त है छोड़ो, ब्रेक। भैया जी क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच शर्मा जी की चाय का स्टॉल लालबाग लखनऊ में जहां पे मैं अपना शो कर रहा हूं। थैंक यू सो मच भैया जी, कहीं में तमाम वो सारे लोग जो आज मौजूद हैं, जुड़े हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि चर्चा एक जैसी क्यों, चर्चा में विषय बदलने चाहिए, मुद्दे बदलने चाहिए, बातचीत का सिलसिला आम लोगों से जुड़ा होना चाहिए। और ये बात सच है कि चाय की चुस्की हो सकती है, लेकिन जो हमें परेशानी है, हमारे जो मुद्दे हैं, जो हमारे मसाइल हैं, वो हमारे सामने होने चाहिए और वही बात सामने आनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, और ये होना चाहिए, और ये वही प्लेटफॉर्म है जिसमें हम चाहते हैं कि ये मुद्दे आए, ये बातचीत हो और ये तमाम सारी चीजें डिस्कस हो। मैं एक बात बार बार कहता हूं, जरूरी नहीं कि मेरे कहने से, मेरी बातचीत से वो मुद्दे हल हो जाए। मेरा तो कहना यह है कि अगर बात कहीं से शुरू होती है तो सिरे तक पहुंचती है, और वो सिरे तक पहुंचे, आप उससे एक माध्यम बने और अपनी बात कहें, ये बहुत जरूरी है। कहां से हैं आप साहब? सर लखनऊ से हूं मैं। लखनऊ से, क्या नाम हो गया साहब? पीयूष पांडे नाम है। पीयूष पांडे जी, जी क्या काम करते हैं पीयूष जी? सर मैं अपना बिजनेस करता था, अभी कुछ दिनों से पत्रकारिता में आ गया हूं। अरे मुझे लगा इतने मुद्दे हो गए हैं देश के सामने कि युवाओं को आगे आना ही पड़ेगा। आप पत्रकारिता करने लगे? पहले बिजनेस करते थे जी।
तो बिजनेस कहाँ का था? बिजनेस कंस्ट्रक्शन सप्लाई मटेरियल का काम करता था। फिर वो बंद कर दिया, अब आप सीधे पत्रकारिता में आ गए? कोविड काल रहा, सब वो व्यापार ढलान पे आ गया। तो आप पत्रकार हो गए हैं? पत्रकार अब फिलहाल तो हो ही गए हैं। तो पत्रकार होने के लिए सबसे पहली अहम चीज क्या है और आप किस चीज का सबसे ज्यादा ध्यान रखते हैं? क्योंकि सुरेंद्र राजपूत जी मेरी तरफ देख रहे हैं बहुत ध्यान से। निष्पक्षता होनी चाहिए, निष्पक्षता होनी चाहिए। और बिजनेस जब आप करते थे, कंस्ट्रक्शन वर्क करते थे, ठेकेदारी करते थे, तो उस ठेकेदारी में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होनी थी? गुणवत्ता होनी चाहिए। क्या बात है, आप एक नंबर के पत्रकार हो सकते हैं। वहां गुणवत्ता और यहां निष्पक्षता, और दोनों को मिला लीजिए पत्रकारिता में। आपको बहुत बहुत साधुवाद। कोई मुद्दा है, कोई बात है जो कहना चाहते हैं? पीछे चाय की चुस्की चल रही है, इसमें अपनी बात कह दीजिए। इको गार्डन में थे, वहाँ पे यूपीएसआई स्कैम दरोगा भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं वो कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। हाँ। वो कह रहे हैं कि एक ऐसी एजेंसी को परीक्षा कराने का जिम्मा दे दिया गया जिस जो छह राज्यों में ऑलरेडी बैन है, व्यापम घोटाले में उसका नाम आया था, उसमें 3.5 करोड़ का लगभग जुर्माना किया गया है। ऐसी एजेंसी ने परीक्षा कराई और वो सब अभ्यर्थी कह रहे हैं कि सीटें 15 से 20 लाख में दरोगा की बिक गई हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये आपने कहा कि ये मुद्दा एक ऐसा था जिसको उठाया जा सकता। मैं आता हूँ आपके, एक परिवार बहुत पीछे खड़ा है बहुत देर से। जी ये बोलेंगी? हम सरकारी एम्प्लाई है सर। है सरकारी एम्प्लाई है तो क्या कहे? या पत्नी जी के सामने बोलते ही नहीं है आप? मैंने मंत्री जी नहीं, पत्नी के सामने। पत्नी की बात नहीं है सर, मैं चूंकि गवर्नमेंट एम्प्लाई हूँ तो मैं हमेशा गवर्नमेंट के जो भी निर्देश अनुपालन होता है मैं उसका पालन करता हूँ। अच्छा, वो कह रहा है कोई बहुत आगे बढ़े, मुझे नहीं जाए। और पत्नी के सामने बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? जरूर बोलता हूँ सर, आप अपनी जो भी बात रखनी है उसको रख लेते हैं। जी बहुत 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 शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बात हमें कहनी है अभी। जी, नाम आपका? निष्पा सिंह। वाह, थैंक यू। क्या नाम है तुम्हारा? कृताज सिंह। और आपका? जैस्मिन सिंह। जी आप बोलिए निष्पा सर। हम प्रयागराज से हैं। प्रयागराज से? इलाहाबाद से नहीं, प्रयागराज से। प्रयागराज से है, प्रयागराज हो चुका तो प्रयागराज ही न कहेंगे। अरे आप हमसे क्यों नाराज हो रही हैं भाई? आप क्या पता नहीं चलता कब कौन सा जगह कहाँ कब बदल दो आप? सर, जो पहले था वही अब किया गया। अच्छा, जो पहले था वही किया गया है। हाँ नहीं, आप बदलो, मुझे क्या मतलब, मैं आप जो कहोगे मैं वही करने को। आप नाराज मेरे ऊपर ना हो, बिल्कुल सरकार कह रहे हैं हम वही कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल जी, प्रयागराज जी बोलिए। सर हमारा बस एक मुद्दा है गरीबों का, जैसे अभी हम जस्ट आ रहे थे तो ये क्या कहते हैं यहीं पे लखनऊ में तो गरीबों के साथ जो मतलब ज्यादा लोग उन्हीं पे अधिकार दिखाते हैं, जैसे वो लोग गुमटी लगाए हैं, छोटी छोटी ठेले लगाए हैं, तो पुलिस क्या करती है बस उन्हीं को मार करके वहां से हटा देगी, बस सारी सफाई वहीं पे होती है और कहीं नहीं होती है। और गुमटियों वालों के साथ जो ठेला छोटा छोटा लगाते उन्हीं लोगों के साथ सारी सफाई होती, अन्यथा कहीं नहीं हो सकती। आपको लगता है कि बड़े जो लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती? नहीं होती। जी ठीक है। हाँ हाँ, आप ही नहीं बोलेंगे, बैठिए, आपको प्रवक्ता बनाएंगे। बहुत सारे लोग मेरे प्रोग्राम में ऐसा हुआ है कि 8-10-15 लोग बोलना शुरू किया, वो सब प्रवक्ता हो गए हैं पार्टी के, बड़े बड़ी पार्टी के प्रवक्ता हुए हैं सब, छोटा मोटा पार्टी प्रवक्ता नहीं हुए। आप सही जा रहे हैं, लाइन पे हैं। एक ने ठेकेदारी छोड़ के पत्रकारिता की है, आप बोलना सीख के प्रवक्ता बन जाइए, बिल्कुल अच्छा बात है। जी क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम अभिषेक मिश्रा है सर। जी अभिषेक जी। जी मैं उत्तर प्रदेश में एम्बुलेंस कर्मचारी था, 2012 से उत्तर प्रदेश में एम्बुलेंस कर्मचारी था और 2021 में मुझे बेरोजगार कर दिया गया। आदरणीय राकेश त्रिपाठी जी हमारे खड़े हैं, इनको भी मैंने मैटर सौंपा था, इनके आवास पे शायद याद होगा, बड़े सम्मान के साथ। हाँ हाँ, वो छोड़िए, आप बताइए मुद्दा क्या? मुद्दा यह है कि 9000 एम्बुलेंस कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया, इसलिए क्योंकि वह अपना पीएफ या एसआईसी मांगते थे, ओवर टाइम मांगते थे, इसलिए योगी जी ने नौकरी छीन ली। आज मंत्री जी कहते हैं कि योगी जी अगर हाँ कर देंगे तो आपको बहाल कर देंगे। कंपनी जीबीके हमारा कहती है कि योगी जी हाँ कर देंगे, बहाल कर देंगे। तो एक हाँ के लिए आज 10 महीने से 9000 कर्मचारी रोड पे भी लख रहा है, उसकी कोई सुनवाई नहीं। 10 लोगों ने आत्महत्या कर ली। कोरोना काल में लोग अपने आप को होम क्वारंटीन आइसोलेट करते थे, तब उत्तर प्रदेश में पुलिस बल और एम्बुलेंस कर्मचारी रोड पे रहता था, घर घर में जब एक पिता पुत्र को नहीं छूता था तब हम हाथों में लेकर टहलते थे। लखनऊ का यही श्मशान घाट है, बैकुंठ धाम टोकन मिलती थी जलाने के लिए। आज यह स्थिति है कि दुत्कार कर फेंक दिया गया उत्तर प्रदेश में हमको। ये कष्ट है मेरा। क्या इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली से कहा था ये देवदूत है, ये कोरोना वॉरियर से इनके ऊपर फूल बरसाओ, दिए जलाओ, थाली बजाओ। योगी जी ने आज चूल्हे बंद कर एक क्या नाम है तुम्हारा भैया? मेरा नाम अभिषेक मिश्रा है। अभिषेक जी, मैंने एक सेकंड भी मेरा हाथ नहीं कांपा, एक सेकंड भी मैंने माइक नहीं हटाया, हटाना भी नहीं चाहिए। बात है,
जायज है तो जरूर कही जानी चाहिए। और मंत्री स्वास्थ्य मंत्री तक ये बात जी बिल्कुल स्वास्थ्य मंत्री जी बेबस आप दिखाई दिए, बेबस गाय दिखाई देंगे, स्वास्थ्य मंत्री तक बात जाए और स्वास्थ्य मंत्री के साथ साथ मुख्यमंत्री तक जाए, बात एड्रेस हो, निश्चित तौर से होनी चाहिए। जी जी नमस्कार साहब, बाद मैं आया हूँ यहाँ पर, आप बहुत दिनों बाद, मतलब मैं कभी नहीं आया हूँ किसी प्रोग्राम, हम भी कहाँ आज ही तो आए, हम भी खराब थी तभी राजाजीपुरम से भागते हुए मैं आया हूँ यहाँ। अच्छा हाँ आगे आ जाओ, क्या नाम हो गया? रामचंद तिवारी मेरा नाम है। वो रह गया अभी जो वो हिंदू मुसलमान पे बहस चल रही थी, अब वो हिंदू मुसलमान की बताओ, इतनी अहम बहस है वो सब रुक गई है, इतनी अहम बहस थी वो सब, आपकी क्या कोई मुद्दा है? हाँ मुद्दा हमारे क्या है, हमारे मुद्दा ये है कि हम जो है ये अब एक बात, पहली बात ये है कि योगी जी और चाहे मोदी जी इस देश में आ जाएं, पूरा देश सुन रहा है इस चीज को, अब भ्रष्टाचार खत्म होने वाला नहीं है इस देश से, चाहे जो कोई आ जाए। क्यों? अरे नहीं खत्म होगा सर, मैंने बहुत इतना समय 70 साल से बिता दिया हूँ यहाँ, खत्म कभी नहीं, खत्म नहीं, क्यों नहीं होगा? अरे जहाँ जाइए अगर यहाँ ऑफिस में नहीं आदमी लेता है तो नाले पर मिल लेता जाकर। आप सुरेन जी कह रहे बहुत दुखद बात है, जैसे इनके जमाने में बिल्कुल साफ था मामला है। हम सहमत हैं इस बात से, सच बात यह है कि हम तो सच बोलने वाले लोग हैं कि हमारे जमाने में भी गलत था और उस गलत को सही करने के लिए ये लोग आए थे और उसको गलत को और गलत करके जा रहे हैं। नहीं नहीं देखिए बदसा, सच्चाई ये है कि राजीव गांधी कहते थे कि 1 रुपए चलता है 85 पैसे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है, समाधान नहीं था, हमने आज डीबीटी के तहत समाधान देने का काम किया है, कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। हाँ जहां खामियां हैं कमियां हैं हम उसको भी एड्रेस करेंगे, हम पीठ पीछे नहीं दिखा रहे, कहीं भी कमियां हैं हम स्वीकार कर रहे हैं और रोज लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। जी 2 मिनट का हमारा काम है, 2 मिनट का काम है, 2 ही मिनट में तो काम ही, जल्दी मुद्दे पे आओ तुरंत दादा, मुद्दे पे आओ। हाँ पूरा जो है पूरा जीवन व्यतीत हो गया गुरुजी, सुनिए गुरुजी इतना टाइम नहीं है, सीधे मुद्दे पे आओ, बात क्या है, कहाँ भ्रष्टाचार? आप ये देखिए ये क्या है, मैं दौड़ रहा हूँ 2 साल से, मेरी चक्की नहीं उखड़ रही, ये देखिए कागज काहे की चक्की, क्या गांव में जो है हमारे घर के बगल में एक ने चक्की लगाया है, उससे हमें सोना बैठना उठना सब बिल्कुल, ये देखिए चक्की चल रही है उधर, हम क्यों बोले लाउड स्पीकर के बारे में, चक्की मैं सुनूंगा बाद में बात करूंगा। जी जनाब बोलिए, गांव के बगल में घर के बगल में चक्की चल रही जिससे उठना बैठना सोना मुश्किल हो गया है, और उधर चर्चा लाउड स्पीकर की है जहां पे लोगों को भी परेशानी हो गई, लाउड स्पीकर भी मसला वही है, लेकिन आपका मसला बहुत जायज है, आपने कहा कि बड़ी दिक्कत हो रही है, और चक्की उखड़वाना है आपको, चक्की उखड़वा देंगे आप? आप घर के बगल में क्यों चक्की लगाएंगे, है ना? हाँ, बगल में लगाया, कोई आपसी रंजिश तो पट्टेदारी वाला मामला तो नहीं है? अरे होता यही है, काफी रंजिशन कभी कभी घुड़वा देता है, मैंने अपने अनुभव से बात कही, बाकी आप जानो। जी जनाब खड़े हो जी, कहिए आदेश, क्या कहिए, क्या मुद्दा चल रहा है? नहीं मुद्दा तो बिल्कुल भ्रष्टाचार का ही चल रहा है, इसमें कोई संशय नहीं है, जब तक जनता का नौकर बन करके कर्मचारी काम नहीं करेंगे, खुद को मालिक समझ करके काम करेंगे, तब तक तो ये भ्रष्टाचार रहेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। इंसान के अंदर जब तक मानवता नहीं आएगी, चाचा जी ने अभी कहा कि मैं इतना उम्र के हिसाब से भी कर्मचारियों को ये देखना चाहिए कि उनके काम को एड्रेस करे, मेरे भाई अभिषेक ने कहा मैं आपके साथ पूरी तरह से सहानुभूति रखता हूँ और उम्मीद भी करता हूँ कि जो जनता ने इतनी अच्छी सरकार दी है ये अच्छा काम आपके लिए भी करे, एम्बुलेंस ड्राइवर जो कर्मचारी है उनके लिए भी जरूर काम करेगी। सवाल यह है कि सरकार ने कहा कि जब हमने बुलडोजर चलाया निष्पक्षता के साथ, हमने ये नहीं देखा किसका घर है कौन सा, जहां अतिक्रमण था हुआ था मैंने वहीं पे साफ किया है, उन्होंने कहा कि जो बाहरी लोग आए हैं उनको बिल्कुल साफ करा जाना चाहिए, लेकिन आप रोहिंग्याज और बांग्लादेशों के लिए प्रोटेक्ट करते हैं। दो बातें हैं प्रतीक भाई, कि हम बांग्लादेशियों को अवैध रोहिंग्याओं को हमने सबसे ज्यादा 2004 से 2014 के बीच में निकाला, और सबसे कम अगर पूरे हिंदुस्तान के इतिहास में किसी ने निकाला तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने मात्र 800 आदमियों को निकाला है अभी तक इन लोगों ने, हम लोग 40,000 लोगों को डिपोर्ट किए थे, ये रिकॉर्ड है, हम नहीं कह रहे हैं, एक बात। दूसरी बात, अवैध निर्माण पर बुलडोजर बिल्कुल चलना चाहिए, ड्यू प्रोसेस ऑफ कोर्स चलना चाहिए, कानूनन चलना चाहिए, लेकिन सिर्फ गरीब के ही घर पे चलना चाहिए, अमीर के पे नहीं चलना चाहिए। ये जितने सेक्टर 15 में आपके वहां पर नोएडा के स्टूडियोज हैं सारे के सारे नक्शे पर हैं,
एक बार नक्शा उनका भी निकलवा लीजिए, एक बड़े आदमी के घर पे बुलडोजर चल जाएगा तो 100 झोपड़ियां वाले अपने आप किनारे कर लेंगे। एक चीज दूसरी, अभी राकेश जी ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि राजीव गांधी ने एक वो दिया था 85-15 का, राजीव गांधी का वो बयान याद है, योगी आदित्यनाथ जी ने आज कहा कि सारे भाजपा दलाल हैं नेता, आज ये याद नहीं है इनको, इनको वो वाला बयान तो अभी तक याद है 85 वाला, लेकिन आज का बयान इनको याद नहीं है कि भाजपा के सारे नेता दलाल हैं, दलाली बंद करें। ये नहीं कहा, मैं फिर से सही करूं, उन्होंने ये कहा कि अब ये ठीक करेंगे, मेरा जिम्मेदारी नहीं। देखिए ये स्पष्ट तौर पर, देखिए संकट नहीं, मैं स्पष्ट कर दे रहा हूं, स्पष्ट कर दे रहा हूं, संकट मैंने कहा ना कि जीप घोटाले से बोफोर्स तक दलाली दलाली दिखी है, इसलिए सब जगह दिखती है। सच्चाई ये है कि संस्कृति बन गई थी कि सत्ता आएगी, सत्ता के माध्यम से लूटो, लूट खसोट कर करके बड़ी अट्टालिकाएं खड़ी कर लो, बड़ी लग्जरी गाड़ियों में चलो। हमने परिवर्तन किया है, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपने आचरण से परिवर्तन किया है, और यही आचरण उन्होंने जनता से, कार्यकर्ताओं से, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं से इस बात की अपेक्षा की है कि सपा बसपा के कल्चर को मत हावी होने दो, कांग्रेसी कल्चर को हावी मत होने दो। ये दलाली जो हो रही थी पहले, जो सत्ता में रहकर के दलाली करते थे उसको बंद होनी चाहिए, और वो हरने प्रसन्न हो रही है। देखिए सबसे पहले हमारे कांग्रेस के भाई साहब जो बात कह रहे हैं, मैं इनसे बताना चाहता हूं कि ये भ्रष्टाचार पे कमेंट कर रहे हैं। कांग्रेस के दौरान, अभी जब मनमोहन सिंह साहब प्रधानमंत्री थे, उस दौरान जिस तरह से घोटाले हुए थे, ऐसे ऐसे फिगर के आम जनता को उन फिगर के आगे कितने जीरो लगेंगे ये सोचने में पूरा पूरा दिन लग जाता था। ऐसे घोटाले करी हुई सरकार ये भ्रष्टाचार पे कमेंट कर रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। एक बात, दूसरी बात ये कि जब से नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने, यशस्वी प्रधानमंत्री बने हैं, योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, कभी आप घोटालों का नाम तक नहीं सुना होगा कि कहीं कोई घोटाला हो गया या किसी अफसर की हिम्मत हुई हो कि कहीं कोई जनता के पैसे पर हमला कर सके। सुनिए एक बात, एक और बात, एक एक दिन में सरकारी एम्बुलेंस से 70-70 केस मांगा जाता है, सरकार भ्रष्टाचार कर भ्रष्टाचार, उत्तर प्रदेश में एम्बुलेंस भ्रष्टाचार। आज आज सरकारी कर्मचारी बोलेंगे आप? देखिए मेरा काम ही यही होता है, जो ना बोले वो बुलवा दें उससे। अब आपके अंदर जोश आया है, सरकारी कर्मचारी बोलेंगे जी। केवल माननीय मोदी जी से और योगी जी से ये प्रार्थना करूंगा, 2-3 दिन पहले मैंने पेपर में पढ़ा था कि पेंशनर्स जो है योगी होते हैं, भोगी नहीं होते हैं। हम लोग जो 2004 के बाद के एम्प्लाई हैं, कृपया हम लोगों की यही मांग है कि हम लोगों को भी पेंशन दिया जाए ताकि हम लोग भी योगी बने, भोगी न बने। क्या नाम है आपका? राहुल सिंह नाम है सर। राहुल सिंह जी, हमने बहुत सोचा, आया आ रहा हूं, आ रहा हूं बेटा, बहुत सोचा, बहुत सोचने के बाद सोचा कि क्या बोला जाए, तो उन्होंने कहा कि अपने लिए, बोला कि वरदान मांग लो, तो बोले क्या वरदान मांगे, बोले अपने लिए मांग लेते हैं। बहुत अच्छी बात है, माने बिल्कुल मुझे कोई नहीं, ये जो 2004 से पहले और बाद का पेंशनर्स वाला मुद्दा है, मैंने शायद कोई ऐसा चुनाव बीता हो जिसमें ये मुद्दा आया ना हो, 100% मुद्दा आता है। और आपकी बात है, आपने रखी, मैंने उसको प्लेटफॉर्म दिया, आपने अपनी बात रखी, जरूर इसको समय के साथ वो एड्रेस करेंगे। लेकिन हाँ, जो बात हो रही थी भ्रष्टाचार को लेकर, तमाम आज शुरू हुई थी शाहीन बाग से लेकर। जी जनाब भैया, मैं दीपक द्विवेदी कुशीनगर से। एक छोटा सा कुशीनगर से हैं आप जी? कुशीनगर, अरे अपने क्षेत्र में नहीं रहते, यही घूमते रहते यहाँ पे, लखनऊ में आए थे और कहीं बैठे थे, पूछते वही आए थे। हमारे यहाँ एक छोटी सी घटना हुई, एक लड़के को रोड पे मार के शाम को 5 बजे उसका पैसा छीन लिया गया, उसका पैर तोड़ दिया गया, हाथ तोड़ दिया गया। उसमें बहुत से धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ, 308, 392, तमाम तरह की मुकदमाएं दर्ज हुई। दरोगा जी ने अपराधी को पकड़ा और उसको 151 में चालान कर दिया। इसकी शिकायत मैंने मुख्यमंत्री ट्विटर हैंडल पे, ADG गोरखपुर, ADG IG जोन गोरखपुर, SP कुशीनगर, क्या हुआ फिर? अभी तक कुछ नहीं हुआ और उसमें सिर्फ लीपापोती का काम चल रहा है, इतनी पैरवी के बाद भी नहीं। ठीक है, आपका अपना अपना कोई मुद्दा है जिसको आपने उठाया है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं कि बड़े और जो चीजें हैं उन पर रोशनी पड़नी चाहिए। जी शेखर त्रिपाठी, अभी तक तो भाजपा मतलब योगी की सरकार है, तब भी मेरा नाम अभी तक शेखर त्रिपाठी है। क्या बात है, कवि हैं आप? जी कवि। हाँ, मैं समझ गया। अभी थोड़ी देर पहले की बात है, मुझसे किसी ने पूछा आप किस दल से हैं, तो मैंने कहा मैं किसी भी दल के दलदल से कोसों दूर हूँ, कवि हूँ, अपनी एक पैरोडी पढ़ता हूँ। कवि जी बोले ने तो ये तो रात भर ना सो पाएंगे, कवियों की परेशानी आप नहीं जानते, मैं वाकिफ हूँ बहुत अच्छी तरह से। आप बैठिए, तशरीफ रखिए जी।
यूपी के गुंडे योगी ने पहुंचाए थाने, कैसी ये जनता हाय कोई एहसान न माने, कन्या निहारे जो उसको सुधारे हो, बुलडोजर लेके फिर अब की आ रहे हो, राशन दिया है फ्री श्री योगी, दे दो कहीं पे भर्ती, कहने में जनता डरती श्री योगी, दे दो कहीं पे। क्या नाम है आपका? शेखर त्रिपाठी। शेखर, अगली बार जब हम आएंगे और जब आप कविता सुनाएंगे, अगली बार जब कविता शेखर सुनाएंगे तो बिल्कुल अपनी तर्ज पे सुनाएंगे, और मैं दूसरी तर्ज नहीं सुनूंगा, अपनी तर्ज लेके आइएगा, बिल्कुल एकदम ठेठ कविता की जो तर्ज है। जी, मुझे मालूम था पहले आप सदरी पहने तो फिर गर्मी ज्यादा लगी, आपने उतार दी और फिर आपने बगल वाले को दे दी, तो बगल वाले ने कुछ देर पहनी फिर उसने भी उतार दी। हाँ बोलिए। नहीं, वो ऐसा प्रोजेक्शन था कि आप सदरी पहनने वाले। हाँ, मैं भी बड़े लोगों को ही देखता हूँ, अब मैं पूछूंगा ही नहीं। बैठो, बैठो। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। क्या नाम हो गया आपका? चंद्र प्रकाश चौधरी। चंद्र प्रकाश चौधरी जी कहाँ के रहने वाले? उत्तर प्रदेश लखनऊ से। हाँ हाँ, उत्तर प्रदेश तो लखनऊ में। कहाँ लखनऊ में, कहाँ से? लखनऊ नीलमथा कैंट। हैं? कैंट 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 से। तो कैसे आना उधर? बस ऐसे ही आपको देखा आ गए। झूठ बहुत बोलते हो। झूठ नहीं बोल रहा। हमको क्या देखा, ऐसे सोचो तमाशा लगा था तो हम भी आ गए। बोलो क्या मुद्दा है? मुद्दा यही है कि भ्रष्टाचार की जो बात हो रही है, ये सरकार तो भ्रष्टाचार के विरोधी है। अच्छा। जब से बुलडोजर सरकार आई है तब से भ्रष्टाचार गायब हो। गजब है, कभी कभी हम भटक जाएं लेकिन जनता भटकने नहीं देती। उसने कहा कि जब से ये बुलडोजर सरकार आई है, बहस यहीं से शुरू हुई थी। नहीं देखिए, बुलडोजर तो चलता रहना चाहिए, अतिक्रमण जहां होगा, अवैध जहां होगा, जहां अपराधी होंगे, भरोसा कायम रखने के लिए बुलडोजर चलते हैं। राइट, कहते हैं ना। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का नंबर वन लोकप्रिय डिबेट शो आर पार। शहीन बाग में ऑपरेशन बुलडोजर का ट्रेलर दिखते ही सियासी तूफान खड़ा हो गया। कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता बुलडोजर के आगे लेट गए जी, और कहने लगे चाहे कुछ हो जाए, हम शाहीन बाग में बुलडोजर नहीं चलने देंगे। आनन फानन में आम आदमी पार्टी के विधायक अमनतुल्ला खान, जो अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं,